दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। छत्तीसगढ़ इतिहास में पहली बार 177 वैगन्स को जोड़कर रेलवे ने बनाया ये एनाकोंडा। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार रायपुर रेल मंडल द्वारा एक साथ 3 मालगाड़ियों को जोड़कर चलाया गया रेलवे द्वारा इसे ट्रिपल लॉन्ग हॉल एनाकोंडा नाम दिया गया है। एक लोको पायलट, एक सहायक लोको पायलट और एक गार्ड द्वारा पूरे ट्रिपल लॉन्ग हॉल को चलाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इस मालगाड़ी में 177 वैगनों को जोड़कर 2 किलोमीटर लंबी रैक बनाकर इसे चलाया गया, जिसे भिलाई मार्शलिंग यार्ड DMY से सोमवार शाम 5:30 बजे रवाना किया गया और फिर ये गाड़ी बिलासपुर होते हुए रात 11 बजे कोरबा पहुँची। बताते हैं कि रायपुर रेल मंडल में पहली बार ऐसा प्रयोग किया गया है जिसमें ना सिर्फ क्रू सेट की बचत होगी बल्कि आने वाले समय में रेलवे ट्रैक का भी सही इस्तेमाल हो पाएगा। जानकारी के मुताबिक इस लॉन्ग हॉल रैक में 3 लोकोमोटिव, एक गार्ड के डब्बे के साथ लगभग 177 वैगनों को जोड़कर चलाया गया है। इस डीजल क्रू में केवल एक ही लोकोमोटिव में 1 लोको पायलट और 1 सहायक लोको पायलट मौजूद रहेंगे। दोनों लोकोमोटिव चालू रहे लेकिन उसमें ऑपरेशन के लिए लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट की जरूरत नहीं थी, इसलिए तीनों मालगाड़ियों को जोड़कर एक ही लोको पायलट और सहायक लोको पायलट गार्ड की सहायता से इसे चलाया गया। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।